हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी स्टूडियो में लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। अगर आप अपने बच्चे को ये खिला रहे हैं तो उनका जो दिमागी विकास है वो तेज़ी से होगा और याददाश्त को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही आपके बच्चे खेलते समय थक जाते हैं या पढ़ाई करते समय थक जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इस लड्डू को बड़े लोग भी आराम से खा सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम 50 ग्राम के लगभग हम देसी घी डाल देंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी के करीब बादाम। बादाम को हमें घी के साथ मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। और यहाँ पे मेरे को 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने सभी बादाम निकाल लिए हैं। अब हम उसी क्वांटिटी में काजू लेंगे और घी के साथ फ्राई करते हुए इसको 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इनका जो टेस्ट होता है वो बिगड़ जाएगा। और देखिए अभी मेरे को 1 मिनट हो गया है, काजू का कलर कितना अच्छा ब्राउन सा हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारे काजू और बादाम वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसी कढ़ाई में सेम क्वांटिटी में खरबूजे के बीज लेंगे और इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। वीडियो के बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मुझे 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और फिर हम सेम कढ़ाई में फ्राई करेंगे किशमिश को। यहाँ पे मैंने 10 से 15 किशमिश ले ली हैं। किशमिश को फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा, बस इसको 10 से 15 सेकंड तक इसको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और किशमिश निकालने के बाद हम सेम कढ़ाई में, मैंने यहाँ पे एक सूखा वाला जो नारियल होता है मैंने उसको कद्दूकस कर लिया था और वो हम घी में ऐसे फ्राई कर लेंगे लगभग 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद इसमें अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये देखिए 1 मिनट के बाद इसका कलर कुछ ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और यहाँ पे हमने सभी सामग्री को फ्राई करके अलग बर्तन में निकाल लिया है। और फिर हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसके अंदर हम काजू और जो बादाम है इनको डाल देंगे और इनका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमें इस तरीके का इसका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद हमने जो खरबूजे के बीज थे इनको भी थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे। और ये देखिए मैंने मिक्सी में इनको चला लिया है, थोड़ा दरदरा सा कर लेना है। और उसके बाद फिर से हमने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और उसमें मैंने आधा कटोरी के करीब चीनी डाल दी है और 1 कटोरी के लगभग इसमें पानी डाल देंगे। और इसको हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक इसको ऐसे ही पका लेना है बीच में चलाते हुए। और यहाँ पे मेरे को 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमें इसकी एक तार की चाशनी बना लेनी है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक तार की चाशनी बन रही है और अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और फिर हम इसमें जो सामग्री है वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ। और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप अपने बच्चे को रोज़ाना ये एक लड्डू सुबह के समय या शाम के समय दूध के साथ दे रहे हैं तो उनकी जो दिमाग की शक्ति है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और पूरा दिन उसको एनर्जी से भरपूर रखता है। बच्चों के साथ साथ इस लड्डू का सेवन बड़े लोग भी कर सकते हैं।
और ये देखिए इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप रोज़ाना एक लड्डू का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में कमजोरी थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ ही आपकी जो याददाश्त है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आज की मेरी ये हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।